आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में कोरोना के साप्ताहिक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लौट आया कोरोना। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, फिर से डरा रहा है कोरोना। खबरदार, हो जाइए सावधान। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के जहां 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, वहीं 200 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान भी गई है। कोरोना के डराने वाले ये आंकड़े दिल्ली, यूपी और हरियाणा से सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले हफ्ते 943 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि इस हफ्ते 2307 नए केस सामने आए। तो वहीं हरियाणा में पिछले हफ्ते 514 केस, जबकि इस हफ्ते 1119 केस सामने आए हैं। वैसे ही यूपी में पिछले हफ्ते 224 कोरोना केस सामने आए थे, जबकि इस हफ्ते 540 नए केस सामने आए हैं। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच देश में 7,348 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनकी संख्या 11 से 17 अप्रैल तक बढ़कर 8,348 हो गई है। यानी एक हफ्ते में कोरोना के मामले 10% तक बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे मामलों को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट दिखाई दे रही है। सरकार ने एनसीआर के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ रहे केसों के कारणों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बढ़ते कोरोना मामलों पर क्या कुछ कहा, आप वो भी सुन लीजिए। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, केवल गुड़गांव और थोड़ा सा फरीदाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं, बाकी आधे से ज्यादा हरियाणा में जीरो है या बहुत कम है या स्थिर है। और वहां का जांच करने के लिए मैंने जो ACS हेल्थ है राजीव अरोड़ा, उनकी अध्यक्षता में टीम भेजी हुई है। मोटे तौर पर देखा जाए तो कोरोना की तीनों लहरों की शुरुआत भी गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों से ही हुई थी। हर बार इन्हीं जिलों से कोरोना के केस बढ़े हैं। जहां मार्च में कोरोना के नए केसेस का आंकड़ा 50 के नीचे था, वहीं अब ये संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे में अगर जरा भी लापरवाही की गई, तो एक बार फिर से कोरोना का भीषण तांडव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल जुड़ गए हैं, ये होली हार्ट हॉस्पिटल के चीफ। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गेस्ट हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर। एक और गेस्ट है हमारे साथ डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा, फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका भी हम स्वागत करते हैं, नमस्कार मैम। एक एक करके आ जाएंगे। डॉक्टर अंकुर, आपसे शुरुआत कर ले रहे हैं, क्या हम इसे चौथी वेव की शुरुआत कहें, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, या अभी इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान हो जाना जरूरी है? देखिए, जैसे हमने पिछली बार डॉक्टर अंकुर थर्ड वेव, बोलिए बोलिए, जैसे हमने पिछली बार फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव को झेला है, तो एक तरह से ये चौथी वेव की आगाज हो सकती है। अभी
चौथी वेव के बारे में बोलना बहुत जल्दी होगा ये। दूसरा, अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती, अगर हम लोगों ने जो कोविड बिहेवियर स्टेप्स है उनको फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है कि हमें फिर से जैसे हमने दूसरी वेव तीसरी वेव को देखा था वैसा एक नजारा हमारे सामने हो सकता है या उससे भयंकर भी हो सकता है। तो आई थिंक अभी गवर्नमेंट को या लोगों को जो छोटी छोटी सावधानी है, मास्क यूज करना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, एक मीटर की दूरी रखना और वैक्सीनेशन को फॉलो करना चाहिए। जो लोग अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है, जो लोग बूस्टर डोज के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अब एक तरह से उनके लिए एक इशारा है कि आप प्लीज चाहिए बूस्टर डोज लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर नेहा, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस रफ्तार को, बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए लोगों को सावधान हो जाना चाहिए? हमें डरना नहीं है पर हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जैसे रिस्ट्रिक्शन वगैरह थोड़े हटे हैं, हमने उसके साथ प्रिकॉशनल चीज थोड़ी सिस्टम में बढ़ा देखा है, क्योंकि कोविड वायरस तो अपना रूप अपना प्रकोप बदलता रहेगा। हमें अपने गार्ड को लेकडाउन एकदम से नहीं करना है। अब जब हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में अचानक से कर दिया है, तो ये टाइम है वापस से थोड़े ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से करने का, वापस से अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन पे आने का, यानी कि प्रॉपर तरीके से मास्क, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड या पब्लिक प्लेसेस में प्रॉपर मास्क का यूज, हैंड सैनिटाइजर को अपने पास रखना और 2 गज की दूरी बनाना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, साथ में मेरा ये सवाल, एक्सी वेरिएंट का जिक्र हो रहा था कि हो सकता है अगर चौथी वेव आएगी तो एक्सी वेरिएंट की वजह से आएगी। ओमिक्रॉन थोड़ा हल्का था, असरदार वो भी था, लोगों को अपनी चपेट में भी ले रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि जितनी तेजी से ओमिक्रॉन इफेक्ट करता है या अटैक करता है उतना ज्यादा वो खतरनाक नहीं है पहले के वेरियंट के मुकाबले। ये एक्सी वेरियंट क्या है? एक्सी वेरिएंट बेसिकली कहने तो ओमिक्रॉन का ही एक रिकॉम्बिनेंट वर्जन है। ओमिक्रॉन के 2 सबवेरिएंट BA.1 और BA.2 ये उन्हीं का मिला जुला प्रारूप है जिसको हम एक्सी वेरिएंट कह रहे हैं। तो क्योंकि अपने पेरेंट स्ट्रेन की जैसा बिहेव करेगा उससे ज्यादा संक्रामक ये जरूर है, लेकिन अपने पेरेंट जैसा ही सिवियरिटी वाइज में कम है। हम जो अभी भी पेशेंट देख रहे हैं और अभी पिछले हफ्ते से जो हमने पेशेंट में करंट देखा है, रूटीन वायरल जैसा ही सिम्टम्स लेकर पेशेंट आ रहे हैं, जिससे बुखार, गला खराब, खांसी, जुखाम, किसी किसी में लूज मोशन और उल्टियां। तो सिवियरिटी वाइज ये ओमिक्रॉन जैसा ही है, बस जैसा कि मैंने आपको बताया 10 गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है। तो आइडिया है कि इसके ट्रांसमिशन को वहीं से भी रोका जाए, तो क्योंकि इसकी सिवियरिटी नहीं हुई थी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की दर जो कि अभी करेंटली भी 0.5% ही है, वो उतनी ही रहे या कम। एक्सी वेरिएंट को लेकर आपकी क्या राय है डॉक्टर अंकुर, कितना खतरनाक है ये और कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है? देखिए, जैसा मैडम ने बताया है कि एक्सी वेरिएंट बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 सब ग्रुप्स को मिलके एक्सी वेरिएंट बना, और अगर अभी तक हम देखें तो अभी भी हमारी कम्युनिटी में वी आर गेटिंग मोर ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन के साथ सबसे आप कह सकते हैं कि नो डाउट अगर हम डेल्टा और अल्फा वेरिएंट के साथ कंपेयर करें तो समय ये उन वेरिएंट से कम खतरनाक था। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो हमारे लंग्स पे एक रेस्पिरेटरी लाइनिंग सेल्स होते हैं जहां से वायरस अटैच होता है और निमोनिया करता है, वो अटैचमेंट उस वेरिएशन में चेंजेस होने की वजह से वो नहीं हो पा रहे थे और निमोनिया नहीं हो रहे थे, सिवेरिटी नहीं हो रही थी, लोगों को सिंपली जुखाम, खांसी, गला खराब, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। एंड वी आर गेटिंग सिमिलर कंप्लेंट्स विद एक्सी वेरिएंट आल्सो। तो अगर हम एक्सी वेरिएंट के साथ अभी तक जो हमारे पास डाटा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सी वेरिएंट के साथ ये है कि उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ओमिक्रॉन से भी 10% ज्यादा है, बट सिम्टम्स एंड सिवेरिटी वाइज देखें तो इट इज बिहेविंग सिमिलरली लाइक ओमिक्रॉन। तो अभी तक हमें लगता है कि इतनी फर्टिलिटी या इतनी मॉर्टेलिटी ओमिक्रॉन से या एक्सी वेरिएंट से हमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए, बट नो डाउट हमारे पास एक दिन में बहुत सारे केसेस आना, बहुत
जीआई सिम्टम्स होना, उसकी वजह से ओपीडी लोड्स या इमरजेंसी लोड्स थोड़ा सा भर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। आप एक्सी वेरिएंट के लिए कह रहे हैं कि इट इज बिहेविंग सिमिलरली लाइक ओमिक्रॉन, यानी ये ओमिक्रॉन की तरह व्यवहार रखता है, तो क्या हम इसे ऐसे समझे डॉक्टर अंकुर कि सिम्टम्स भी एक जैसे होंगे? जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें जरा अगर आप बताएं डॉक्टर अंकुर कि किस तरह के लक्षण होंगे तो उन्हें डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर अपना कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। देखिए, अगर कोरोना वायरस एक्सी वेरिएंट या किसी और वेरिएंट के बारे में हम बात करें तो मोस्ट ऑफ सिम्टम्स सिमिलर एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि हम बात करें फीवर आना, बुखार आना, वो किसी भी बीमारी में हो सकता है, किसी और वायरल इंफेक्शन में भी हो सकता है। जो ओमिक्रॉन के साथ थोड़ा सा जो चेंज हमने देखा वो था कि गला ज्यादा खराब होता था जी। एक स्क्रैची थ्रोट टर्म यूज करते थे हम लोग कि डॉक्टर लोग पेशेंट्स हमारे पास आते थे उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती थी कि डॉक्टर साहब गला बहुत खराब है, गले में बहुत ज्यादा दर्द है, पानी भी नहीं पी पा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हमें ओमिक्रॉन के साथ या एक्सी वेरिएंट में हो सकता है देखने को मिले। जो बाकी वेरिएंट से इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करता है वो होता है कि पहले हमें एक तरह से स्मेल और टेस्ट जा रहा था जो कि बहुत कॉमन था। एक तरह से लोग अपने घर पे टेस्ट करके देखते थे, परफ्यूम स्मेल करते थे कि एक ले मैन में एक जनरल टर्म हो गई थी कि आप परफ्यूम स्मेल कीजिए, अगर आपको स्मेल आ रही है फीवर के साथ में तो दिस कैन नॉट बी कोविड। ऑल्दो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ओमिक्रॉन में स्मेल एंड टेस्ट परसिस्ट कर रहे हैं, मतलब स्मेल और टेस्ट नहीं जा रहे हैं। तीसरा, ओमिक्रॉन के साथ में जीआई सिम्टम्स थोड़े से हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे डायरिया होना, पेट में दर्द होना। तो ये इस तरह से एक्सी वेरिएंट या ओमिक्रॉन थोड़ा सा बाकी चीजों के साथ डिफरेंस करेगा। बीच में हमने देखा था दिल्ली एनसीआर के इलाके में मास्क भी हटा दिया गया डॉक्टर नेहा, लेकिन अब एक बार फिर से कह दिया गया है कि दिल्ली यूपी हरियाणा दिल्ली एनसीआर के जितने क्षेत्र हैं चूंकि मामले बढ़े, हम ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखा भी रहे हैं, दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले, तो एक बार फिर से मास्क के लिए कह दिया गया है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और क्या क्या लाजमी होना चाहिए डॉक्टर नेहा? जी बिल्कुल, जैसे पिछले वेव में हमने देखा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो कि मैं बोलूंगी कि उसमें हमें बिल्कुल भी समझौता करना ही नहीं है, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में वापस से मास्क का पहनना। और मैं ये जरूर सचेत करना चाहूंगी लोगों को कि मास्क का होना केवल इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मास्क को ढंग से लगाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। दूसरा चीज, हैंड वॉश या हैंड हाइजीन का पूरा प्रावधान होना। जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं किसी काम से या किसी कारणवश, पहली बात तो अवॉइड करिए पब्लिक प्लेसेस में जाना, क्योंकि अब दोबारा से केसेस बढ़े हैं, तो रूटीन में जैसे दोबारा से सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज, इवेंट, फंक्शंस हो गए थे, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है या बचाई जा सकती है तो उसको करें। बट अगर आपको बाहर निकलना है तो जैसे आप फोन और मास्क लेते हैं, अपना हैंड सैनिटाइजर अपने साथ में रखें, एंड जहां पे भी आप किसी चीज को टच कर रहे हैं या यूज हो रही है, हैंड सैनिटाइज जरूर करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी पॉसिबल हो अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, दो गज की दूरी को बनाकर रखें। घर पे आने के बाद अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और आप काम पे जा रहे हैं, वापस आके हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें और उसके बाद ही आप अपनी फैमिली से मिलें। और पांचवी चीज, अगर किसी को, किसी के ऑफिस में या किसी को भी सिम्टम्स हैं, यानी कि जैसे क्योंकि अभी ये सीजन बदल रहा है तो वायरल है या कोविड है हम ये एकदम से नहीं बोल पाते हैं, तो अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी, जुखाम, नजला, बुखार, प्लीज अपने आप को आइसोलेट करिए जब तक कि आप कोविड प्रूफ ना कर पाए। कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अंकुर इसमें? देखिए, बिल्कुल सही बातों को बताया गया है और मुझे लगता है कि लास्ट टू ईयर से हम लोग चाहे फोन कॉल्स हैं, चाहे हमारी बाकी हम मीडिया के थ्रू, बाकी रेडियो के थ्रू, हम लोगों को एक चीज के बारे में बहुत बार बार बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, अगर आप इन तीन चीज को ठीक से फॉलो करते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि कोविड, हम बाकी वायरस, बाकी इन्फेक्शन से भी बच जाएंगे। अगर मैं अपना पर्सनल डाटा शेयर करूं आप सब लोगों से कि हम लोग रेस्पिरेटरी जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, हमेशा विंटर सीजन में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट जब लोग
अपने घरों के अंदर थे, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे, वो नंबर नियरली 2 to 3 times कम हो गया था। इनफैक्ट पेशेंट्स, छोटे छोटे बच्चे जो एस्थमेटिक होते हैं, उनके पेरेंट्स हमें आके बोलते थे कि डॉक्टर साहब वो सीजन बहुत अच्छा गया, इस सीजन में पता नहीं क्या हो गया, बच्चे फिर से बहुत बीमार पड़ रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली कि हमें इन सब चीजों का कोविड में ही ध्यान रखना है, ठीक है कोविड है, वी शुड टेक सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, बट अगर हम जनरल किसी भी इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो वी शुड फॉलो दीज गाइडलाइंस ऑल द टाइम। बिल्कुल, खाने पीने को लेकर आप इम्यून बूस्ट करने को लेकर कुछ सजेशन करना चाहेंगे? इसके साथ ही एक और सवाल मैं पूछ लेती हूँ आपसे, वैक्सीनेशन को लेकर भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। देखिए, सबसे पहले अगर हम डाइट और लाइफस्टाइल की बात करें, आज के दिन हमारे पेशेंट्स के जो नंबर है उनके परसेंटेज देखें तो मोर देन 50% जो हमें डिजीज है दैट इज बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कोविड की सिवेरिटी है। कोविड की सिवेरिटी भी हमें उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिली जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज थी, जैसे हाइपरटेंशन था या डायबिटीज था। अगर हम अपनी रेगुलर डाइट, जिसमें की होता है सुबह एक लाइफस्टाइल होती है, सुबह उठना, योगा करना, आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम अगर देखे फास्ट फूड को लोग अवॉइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव सीन पर्सनली कि उन लोगों में सिम्टम्स की सिवेरिटी या नंबर ऑफ इन्फेक्शन उनमें कम मिलते हैं। खूब सारा पानी पीना चाहिए, जैसे कि अभी बहुत बहुत गर्मी है तो यस, एक इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर हो गए हमारे, ताकि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन या बाकी सिम्टम्स ना हो जो कि आप कोविड के सिम्टम्स को एग्रेवेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज ऑन वैक्सीनेशन। मुझे लगता है कि अगर 2021 और 2022 में जो मेजर डिफरेंस था वैक्सीनेशन की वजह से डिफरेंस था, 2021 में वी हैव सीन कि मार्च अप्रैल मई में जो सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा है, आई डोंट थिंक सो कि मेडिकल लाइफ में या मेडिकल लाइन में इन फ्यूचर ऐसा कभी होगा। लेकिन 2022 टोटली डिफरेंट, मैं कह सकता हूँ इट्स अ न्यू एरा, इट वाज अ न्यू एरा, इट्स अ न्यू एरा। मैं लौट रहा हूँ, पास हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश जुड़ गए हैं, कोरोना वार्ड्स की जिम्मेदारी है इन पर, नोडल अधिकारी हैं आप। डॉक्टर जयप्रकाश, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, एक बार फिर से मामले बढ़ गए हैं, पिछले हफ्ते के मुकाबले दुगुने से ज्यादा मामले हैं इस बार हरियाणा की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो कितनी तैयारी है हमारी? नहीं, तैयारियां कि ये है जो अभी संक्रमण जो देखने में मिल रहा है अप्रैल के माह में, जो मार्च में थे हमारे 1900 के करीब केसेस, तो अभी अप्रैल में 1500 मामले आ चुके हैं और आज 198 केसेस हैं। पर राहत की बात यह है कि कोई फैटलिटी, कोई अपने हॉस्पिटलाइजेशन बड़ा नील के बराबर है, जितने लोग हैं सभी होम आइसोलेशन में है। जैसा हमने जनवरी में देखा था, हमारी जो थर्ड वेव थी, लोगों में मामूली से सिम्टम की बुखार है, गला खराब है या जॉइंट पेन है, इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन मेजर नजर में नहीं आ रही। वैक्सीनेशन ने कहीं ना कहीं अपना असर अदा किया है, पर यह नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आप अपना कोविड प्रोटोकॉल भूलें। मास्क लगाना और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बेसिक नॉर्म है, उन पर अमल में लाना पड़ेगा। सर, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले 157 केस आज सामने आए हैं, लगातार 198, हाँ जी, हाँ उससे ज्यादा ही है, खबर आने तक 157 थे, अब ज्यादा हो गए आप बता रहे। जैसे दिल्ली से लगता इलाका है, आवागमन ज्यादा है, लोग यहाँ पर जो नहीं रहते वो नौकरी के लिए आते हैं, जो रहते हैं वो भी परेशान है। कैसे यहाँ पर चीजों को ठीक किया जा सकता है, संभाला जा सकता है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मास्क के अलावा भी? लोगों को देखिए जी, जो रिस्ट्रिक्शन है अभी है नहीं, पर जो यह ना है कि मास्क का अगर चलान नहीं है तो हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं भागे कि मास्क का प्रयोग ना करें। आप लोगों ने बड़ा कोविड में शुरू से ही सहयोग दिया है, मीडिया पर्सनल ने, तो मैं आप लोगों के थ्रू पब्लिक को एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है वह ना भूलें। अपना बच्चों का जो वैक्सीनेशन है 12 से 14 एज ग्रुप में, वो जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करवाएं, जिनका बूस्टर डोज एप्लीकेबल है बूस्टर डोज लगवाएं। और जहां तक तैयारी की बात है तो स्वास्थ्य विभाग उसके लिए तैयार है, पर्याप्त मात्रा में
बेड और ऑक्सीजन किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु जो मामले देखने में आ रहे हैं तो नील के बराबर हॉस्पिटलाइजेशन है। लोगों और को थोड़ा बूस्टर डोज के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लोग ये देख रहे थे ओमिक्रोन आया, ज्यादा घातक नहीं है, खतरनाक नहीं है। उस वक्त तो मास्क के चलान भी बहुत हुए थे, क्योंकि लोग बहुत हल्के में लेने लग गए थे। मीम्स वायरल होने लग गए थे सर, डॉक्टर जय, मीम्स वायरल होने लग गए थे कि ये ऐसा मेहमान है जो कभी भी आ जाता है तो उसकी इज्जत नहीं रही, इस तरह के मीम्स वायरल हो रहे थे। खैर, लापरवाही तब भी नहीं होनी चाहिए थी, अब भी नहीं होनी चाहिए। ओमिक्रॉन के मुकाबले अब जो वेरिएंट है, ये कौन सा वेरिएंट है? क्या ये एक्सी वेरिएंट है? क्या ओमिक्रॉन के मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक है? वैक्सीनेशन के बाद ऊपर हम बात कर रहे थे, दो सवालों के साथ वैक्सीनेशन का पॉइंट भी जोड़ देती हूँ कि बूस्टर डोज को आप किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। मुझे डबल डोज लग चुका है, कितने महीनों के बाद मैं बूस्टर डोज के लिए जा सकती हूँ या मुझे जाना चाहिए? मैडम, बूस्टर डोज जो है अपने वो आपकी जब सेकंड डोज है उसके आप 9 मंथ्स के बाद में अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपको कोविड हुआ है इस टाइम बीच में तो आप उसके कोविड ठीक होने के 3 महीने बाद अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जो बच्चों की वैक्सीन है 12 से 14 इस ग्रुप में, उसको बच्चों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन अपनी लगवानी चाहिए। और जो बूस्टर डोज अभी शुरू करी है जो प्राइवेट सेटअप में लग रही है 15 से 59 एज ग्रुप में, तो लोगों को वह भी आह्वान करूंगा कि मैं गवर्नमेंट के नॉमिनल रेट पे अपने बूस्टर डोज अपना लगवा लें। ठीक है, अब वेरिएंट के को लेकर थोड़ा सा अगर आप अपनी बात। वेरिएंट मैडम देखिए कि कौन सा वेरिएंट है, इसके लिए हमने 12 तारीख को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए 15 नमूने यहाँ से भेजे थे जनपद जिला गुरुग्राम से, उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जैसे ही रिजल्ट आएगा सभी को सूचित कर दिया जाएगा। मैं एक और सवाल के साथ आपके पास लौट रही हूँ, जरा थोड़ा और वक्त चाहूंगी मैं। डॉक्टर नेहा, कितने तैयार हैं हम? डॉक्टर नेहा जी, जैसा कि सर ने ऑलरेडी बताया कि हम अच्छे तरीके से इस तरीके से तैयार हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा कि पिछले थर्ड वेव में ये केसेस होम आइसोलेशन तक ही सीमित रहे, तो करेक्ट तरीके से सबसे पहले वैक्सीन को अच्छे तरीके से फैलाना है ताकि सिवियरिटी हो ही ना, नंबर वन। नंबर टू, होम आइसोलेशन के साथ में सोच ट्रैकिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से की जा रही है, और जैसा कि सर ने बताया कि लास्ट वीक की अभी 4 डेज पहले ही सिक्वेंसिंग हुई है, तो अगर सिक्वेंसिंग में वेरिएंट आता भी है तो क्लिनिकली हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा सिवियरिटी नहीं है। तो हम एज अ गवर्नमेंट पॉइंट या एज अ सारा लोग मिलके काफी अच्छे से तैयार है। अब पब्लिक को भी सचेत और तैयार होने की पूरी जरूरत है कि अपने गार्ड को लेट डाउन मत करिए। मैं बार बार इस माध्यम से बोलना चाहती हूँ पब्लिक को कि आप अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स रखिए, एंड हम सब तैयार हैं फोर्थ वेव को ना आने देने के लिए। डॉक्टर अंकुर, सेकेंड वेव में जो अफरा तफरी मची खासकर ऑक्सीजन को लेकर भी और बाद में मेडिसिन को लेकर भी, ऑक्सीजन को लेकर ज्यादातर, ये कहा गया कि थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन ओमिक्रॉन बहुत कमजोर वेरिएंट निकल कर आया, होम आइसोलेशन में ही लोग ज्यादातर ठीक हो गए, अस्पताल ज्यादातर मरीजों को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तैयारियों को आंका नहीं जा सका थर्ड वेव में। क्या आप अगर चौथी लहर आती है, मामले बढ़ रहे हैं उसके उसे देखते हुए, चौथी लहर को साइड भी रख दे तो इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, क्या हम तैयार हैं? देखिए, अगर हम सेकेंड वेव के बाद, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं, न सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बहुत बढ़ चढ़ कर बड़े लेवल पे तैयारी की गई है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वह ऑक्सीजन प्लांट का। अब हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट क्या करते हैं, जो आपके एनवायरमेंटल ऑक्सीजन होती है उनको कॉन्सेंट्रेट कर एक प्योरिफाइड ऑक्सीजन कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में किसी भी तरीके। क्या डॉक्टर जयप्रकाश आप भी हमें अश्योर करते हैं कि बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पूरी तैयारी है प्रदेश में? स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह सतर्क है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, हमने रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दिया बाजार में, मॉल में अपने, और ताकि लोगों को कोई टेस्टिंग में दिक्कत ना आए। हमारे सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अलावा हम 9 से 10 कैंप सुनिश्चित कर रहे हैं दिल्ली बेसिस पे, और जरूरत पड़ी तो टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए भी, उन्हें आगाह करने के लिए भी। आगाह हम भी करना एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। मास्क अगर कहीं पर अलमारी में आपने रख दिया है, बाहर निकालिए,
अब मास्क को पहनकर ही घूमना होगा। कोशिश कीजिए कि घर से बाहर अगर बाजार में 5 मिनट के लिए भी जा रहे हैं तो आप मास्क पहनकर जाएं। भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचिए, हो सके तो डबल मास्क पहनिए। मामले बढ़ने लगे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना लौट आया है, क्योंकि कोरोना कहीं गया ही नहीं था। मामले जो नीचे जा रहे थे वो ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा है। सावधान हो जाइए।